हेलो एवरीवन दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर थ्री ऑफ अकाउंट्स दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट वन उसमें भी हमारा टॉपिक था जर्नल और जर्नल में भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो लेट्स कंटिन्यू विद डैट आज भी हम जर्नल के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा टी एस गरीवाल का सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये हमारा टियर्स गरेवाल का सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश तो हम क्या करें कैश एसेट है कैश बढ़ रहा है कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हमने किया कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख और नरेशन लिखा हमने बीइंग कैपिटल इंट्रो ड्यूस्ड सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश मैंने गुड्स खरीदा है हरीश से तो आपको याद है जब मैं कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था आपको कि जब भी नाम लिखा हो क्या नाम लिखा हो बट वर्ड कैश मैंशन ना हो तब हम उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे नाम तो लिखा है बट कैश वर्ड यूज नहीं किया गया है इसका मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तब हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट परचेज हमारा एक्सपेंसेस है बढ़ रहा है तो हम क्या करें डेबिट करेंगे टू हरीश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट टेन थाउजेंड मैंने लिखा टेन थाउजेंड नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश अब यहां देखिए वर्ड कैश मैंशन है तो मतलब कैश में सामान खरीदा गया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नरेशन होगा बींग गुड्स परचेज ऑन कैश परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश अब यहां पे देख लीजिए गुड्स परचेज किया है कैश में किया है और मोहित का भी नाम लिखा है तो जब वर्ड ऑलरेडी कैश मेंशन है तो हमें मोहित वर्ड मोहित का जो नाम है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनरली कैश ट्रांजेक्शन में हमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमें जरूरत रहती है तो इसका एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेवन थाउजेंड सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट मैंने सामान बेचा है किसको कैलाश को किसमें क्रेडिट में तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है तो नाम लिखेंगे कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू थाउजेंड नरेशन हो जाएगा आपका बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश नदीम को सामान बेचा हमने कैश में फिर से यहां नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्ड आपका कैश है तो हम क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फिफ्टीन हंड्रेड नेक्स्ट है हमारा गुड्स रिटर्न बाय कैलाश मैंने कल आपको बताया था जब भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे रिटर्न वाले सामान खरीदा बेचा उसके अलावा एक ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न गुड्स रिटर्न तो आपको वो ट्रांजैक्शन सही से पढ़ना है और ये समझने की कोशिश करना है कि वो परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न तो अगर बाई लिखा है मतलब ये सेल्स रिटर्न है क्या है सेल्स सेल्स रिटर्न रिटर्न तो हम क्या करें अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैलाश 500 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू हरीश यहाँ पे टू है मतलब परचेज रिटर्न तो परचेज हरीश अकाउंट डेबिट 360 सिक्सटी टू परचेज रिटर्न अकाउंट 360 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन सोहन से हमने मशीनरी परचेज कर लिया फिर से देखिए नाम लिखा है बट कैश नहीं लिखा है मतलब हमने मशीनरी क्रेडिट में खरीदा होगा तो इसीलिए हमने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट एट थाउजेंड टू सोहन अकाउंट एट थाउजेंड हमारा जर्नल एंट्री हुआ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट एट थाउजेंड नेक्स्ट आता है पेड टू हरीश ऑन अकाउंट हरीश को पैसे दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट फाइव थाउजेंड नेक्स्ट आता है कैश विद फॉर पर्सनल यूज एक बात समझने की कोशिश कीजिए ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स क्या होता है जब भी कोई प्रॉपर गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेता है अगर वो कैश निकालता है तो हम क्या एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर वो अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज पर्सनल यूज से ही वो ड्राइंग्स बनता है तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट तब यहाँ देखिए क्या है ट्रांजैक्शन हमारा कैश विद फॉर पर्सनल यूज पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स कैश निकाला है तो एंट्री क्या होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फाइव थाउजेंड अकाउंट डेबिट टू कैश फाइव थाउजेंड नेक्स्ट एंट्री ट्रांजैक्शन है ओल्ड न्यूज सोल्ड ये एक नया ट्रांजेक्शन है ओल्ड न्यूज़ सोल्ड मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे बिजनेस में कुछ रैंडम खर्चे होते हैं उसे हम सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं उसी तरह से कुछ रैंडम इनकम भी हो जाता है उसे हम सन्ड्री रिसिट बोलते हैं इसे ही हम मिसलेनियस भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या है ओल्ड न्यूज़पेपर हमने बेचा बेचा मतलब कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस अकाउंट फाइव ये न्यूज बेच के कुछ पैसे आए तो मैंने इसे मिसलेनियस अकाउंट में डाल दिया है नहीं तो हम यहाँ पे संड्री रिसेट अकाउंट भी लिख सकते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक लोन मोहन से मिला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया तो अब बताइए लोन क्या होता है लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं तब क्रेडिट करते हैं तो हमने लिखा टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट और पैसे कहाँ डिपॉजिट हुए हैं बैंक में हुए तो फिर इंक्रीज़ किया पैसा पैसा क्या है एसेट है और इंक्रीज़ किया तो डेबिट तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आए होंगे मैंने क्या किया है क्वेश्चन को यहाँ लिखे हैं ट्रांजेक्शन्स और आपका यहाँ पे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है मेरे अकॉर्डिंग दो तीन ट्रांजेक्शन इसमें जो है वो ध्यान देने की बात थी पहला परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित आपका नाम लिखा हुआ है बट वर्ड कैश नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसी तरीके से ओल्ड न्यूज पेपर सोल्ड कुछ पैसे हमको रैंडम अर्न हो गए इनकम हो गया तो हम क्या करें कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस अकाउंट उसी तरह से संडरी एक्सपेंसेस भी रहता है तो सेंडरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और सेंडरी रिसेट अकाउंट क्रेडिट नेक्स्ट था हमारा रिसीव लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक तो इसमें भी लोन हमारा हमेशा लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होता है तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया है टू लोन फ्रॉम मोहन तो ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर टू आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम कीजिए नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री मैंने नंबरिंग भी अकॉर्डिंग टू द बुक किया है तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कैश बिंग एन एसेट इंक्रीज हो रहा है डेबिट करेंगे कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एटी थाउजेंड ये रूल हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है आप उसे याद कर लीजिए उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर फॉर कैश फर्नीचर खरीदा फर्नीचर एसेट है इंक्रीज हो रहा है डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टेन थाउजेंड कैश में है तो टू कैश कैश घट रहा है एसेट घट रहा है घटेगा तो क्रेडिट करेंगे डिपॉजिटेड इन बैंक क्या डिपॉजिट किए होंगे कैश तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कैश घटेगा बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट थर्टी थाउजेंड टू कैश अकाउंटीटेड इन बैंक मैं मुझे लगता है आप नरेशन खुद लिख लेंगे बट किसी स्पेशल ट्रांजेक्शन का मैंने नरेशन यहाँ लिख दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश गुड्स परचेज किया कैश में खरीदा

टू हरी अकाउंट और नरेशन होगा बींग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश कैश लिखा हुआ है तो नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट है हमारा थ्री थाउजेंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय अब यहां पे क्या है नाम मेंशन है बट वर्ड कैश नहीं है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम अजय इसका जनरल एंट्री क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट फोर थाउजेंड बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश सामान बेचा है कैश में कैश बढ़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेवन थाउजेंड सेल्स हमारा क्या है सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट करते हैं कैश बढ़ रहा है इसलिए कैश डेबिट करें सोल्ड गुड्स टू करीम फिर से नाम है लेकिन कैश वर्ड नहीं मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हमने लिखा करीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फाइव थाउजेंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स टू बंसी फिर से नाम है बट कैश वर्ड नहीं है तो क्या करें क्या करेंगे लिखेंगे बंसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है अमाउंट है हमारा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आई होप आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्री समझ आ रहे होंगे अगर नहीं समझ आ रहे तो आप वन बाय वन पहले ट्रांजेक्शन पढ़िए फिर नेचर ऑफ अकाउंट पता कीजिए कि कौन सा अकाउंट है और उसके अकॉर्डिंग आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कीजिए और तब बहुत ही आसानी से आप जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा विड फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ बैंक से निकाला क्या निकाला निकाला क्या पैसे ही निकाले होंगे ऑफिस ऑफिस यूज़ यूज़ के के लिए निकाला, तो मतलब ये ड्राइंग्स ट्रांजेक्शन तो है करीम पेड ऑन अकाउंट करीम अकाउंट डेबिट फाइव थाउजेंड टू कैश अकाउंट कैश जा रहा है कैश क्रेडिट करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड रेंट फॉर रेसिडेंस रेंट तो पे किया बट रेसिडेंस मतलब घर के लिए पे किया अगर होता पेड रेंट तो रेंट बिंग एन एक्सपेंस डेबिट करते लेकिन घर के लिए पे किया तो मतलब उसका प्रोपराइटर का अपना खर्च है ना तो ये ड्रॉइंग्स है तो हम क्या करें ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे बिंग रेंट पेड फॉर रेसिडेंस अमाउंट है सिक्स थाउजेंड तो जब भी प्रॉपराइटर अपने लिए अपने घर के लिए कुछ भी खर्च करेगा तो हम उसे ड्राइंग्स मानेंगे तो हमने लिखा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन साइकिल खरीदा बट साइकिल खरीदा है बट अपने बेटे के लिए खरीदा है तो वो भी उसके घर का खर्च है तो हम क्या करें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थ्री थाउजेंड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थ्री थाउजेंड अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिख दिए क्योंकि वो गुड्स है साइकिल भी सामान है लेकिन नहीं क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि उसके बिजनेस में कुछ सामान आया था उसमें से वो कुछ सामान उठाकर अपने घर लेके चला गया ऐसा तो नहीं है वो साइकिल खरीदा अपने बेटे के लिए रीसेल नहीं हो रहा है तो इसीलिए हम परचेज नहीं लिख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि जब भी प्रॉपराइटर बिजनेस का कोई सामान अपने घर लेके चला जाता है तो हम लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट और हमेशा अमाउंट लिखेंगे परचेज परचेज प्राइस ही अमाउंट में मेंशन करेंगे नेक्स्ट है हमारा पेड टू अजय इन सेटलमेंट हिज अकाउंट ये आपके लिए इनफैक्ट ये सारे ट्रांजेक्शन आपके लिए थोड़े नए हैं पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ ऑफिस अकाउंट मतलब अजय को आप पिछले ट्रांजेक्शन में देखे ना अजय को फोर थाउजेंड रुपीज हमने क्रेडिट में उसे सामान खरीदा था चार हजार का अब उसे सेटलमेंट करना है तो चार हजार पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ ऑफिस अकाउंट बट यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है हमारा थर्टी एट हंड्रेड पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ ऑफिस अकाउंट थर्टी एट हंड्रेड ये हमारा ट्रांजैक्शन है जबकि अजय से मैंने उधार में सामान खरीदा था फोर थाउजेंड का कितने फोर थाउजेंड मतलब देना चाहिए फोर थाउजेंड लेकिन हम दे रहे हैं थर्टी एट हंड्रेड ही मतलब आपको कैश डिस्काउंट मिला है डिस्काउंट मिला कितने का मिला टू हंड्रेड का डिस्काउंट मिला आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है दो सौ डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना दो सौ का तो हम एंट्री क्या करें अजय अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड देना कितना था फोर थाउजेंड टू कैश अकाउंट दिए कितना थर्टी एट हंड्रेड थर्टी एट हंड्रेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू हंड्रेड डिस्काउंट कितना मिला टू हंड्रेड मैंने ये एंट्री आपको बताया है जब हम पढ़ रहे थे कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव क्या होता है और उसका हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं तो आप वो वाली क्लास जाके देखिए अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास भी जरूर देखिएगा तो ये ट्रांजैक्शन है हमारा उसमें लिखा था पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ़ हिज अकाउंट थर्टी एट हंड्रेड थर्टी एट हंड्रेड ही मैंने अजय को पे किया बट मैंने उसे सामान उधार में खरीदा था चार हजार का तो मुझे उसे चार हजार देना चाहिए था ना बट हमने सेटलमेंट किया है तो वो दो सौ रुपया हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करते हैं तो अजय अकाउंट डेबिट फोर थाउजेंड टू कैश अकाउंट कितना पैसा दिए थर्टी एट हंड्रेड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू हंड्रेड टू हंड्रेड का डिस्काउंट रिसीव हुआ तो ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री आई होप आपको समझ आ रहा होगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में पूछना है या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ लेना है बट आपको समझना जरूरी है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा आप उतना ही अकाउंट्स में हंड्रेड ऑन हंड्रेड स्कोर कर सकते हैं आई होप आप जरूर करेंगे रूल्स ऑफ कॉमर्स के साथ आपको बने रहना है एंड यू विल श्योरली अचीव हंड्रेड ऑन हंड्रेड तो That's all for today. Bye bye, Bacho. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share, and subscribe. And do hit the bell notification icon to get the latest update.